हेलो स्टूडेंट, ESCC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर हम 4 बताने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 4 है, देखिए क्या दिया है। इन द फ्लोइंग केसेस, इन द फ्लोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑरिजिन। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस 4z माइनस 12=0, इसका निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व किया जाए। आप लोग बताए थे कि जहां डिस्टेंस निकालना हो, दूरी निकालना है, इसको दूरी बोलते हैं। जहां दी कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, या कोऑर्डिनेट इसी को पाद निर्देशांक बोलते हैं। ये तीनों निकालना है, तो तीनों को निकालने के लिए हमारे पास रूल यही रहेगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, एक बार फिर से रिपीट करिए। 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12=0। तो सबसे पहले क्या है कि बराबर के इधर अंक को बुलाते हैं, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z=12। अगर ये 12 प्लस में है तो ठीक है, नहीं माइनस होगा तो प्लस उसको बना सकते हैं। प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखते हैं, चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्लियर है। जब इसको हल किया जाएगा तो कितना आएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16, 42 नहीं, 4 का स्क्वायर है, तो क्या होगा, 16 9 25 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना। तो लिखेंगे बाई डिवाइडिंग वर्थ साइड रूट 29 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2x by root 29 plus 3y by root 29 plus 4z by root 29 by 12 root 29 2 by root 29 into x
प्लस थ्री बाई रूट 29 वाई प्लस 4 बाई रूट 29 इंटू जेड इक्वल 12 बाई रूट 29। अब लिखें कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग द इक्वेशन क्या एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू। क्लियर है, देख लीजिए अच्छा से, दिखाई दे रहा है ना बाबू? चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, एल का वैल्यू कितना होगा 2 बाय रूट 29, एम का वैल्यू 3 बाय रूट 29, एन का वैल्यू 4 बाय रूट 29। क्लियर है, और हम लोग का डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 12 बाय रूट 29 रूट 29। क्लियर है बाबू? चलिए अब यहाँ पर लिखना है, अब क्या ज्ञात कर, लंब के पाद निर्देशांक, इतना तक का आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना तक का आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन को बनाए होंगे, इतना क्वेश्चन को आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बताए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्या किए कि सबसे पहले अंक को देखें कि बराबर किधर है कि नहीं, अगर बराबर किधर नहीं तो इसको बुला लेंगे, बुला दिए 12 हो गया, हल किए डिवाइड किए आया। ठीक है, अब लिखना है कि लंब के पाद निर्देशांक, लिख सकते हैं इंग्लिश में फुट कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, क्या लिखेगा इंग्लिश में, इतना इंग्लिश में लिख लीजिएगा एक कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला होता है एल डी एम डी और एम डी। इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाले में लिखेंगे इंग्लिश कि फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसका इंग्लिश हो जाएगा कि फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। एल का वैल्यू 2 बाई रूट 29 इंटू 12 बाई रूट 29 कॉमा 3 बाई रूट 29 इंटू 12 बाई रूट 29 कॉमा 4 बाई रूट 29 इंटू 12 बाई रूट 29। ओके, इसको सोल्व किया जाएगा 24 by 19, 39, 36 by 29, and 48 by 29। यही हम लोग का हुआ लंब के पाद निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द पॉइंट इसी को बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या देखे कि जितना हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए थे उन सब पहला क्वेश्चन में लास्ट में यहाँ लिख देना है। ओके, कंफर्म है? चलिए एक और समझा दे रहे बाबू, इसका क्वेश्चन नंबर बात करेंगे सेकंड का, थ्री वाई प्लस 4z माइनस 6 इक्वल 0। क्वेश्चन में 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल 0, पहला लक्ष्य हमारा ये है कि इसमें जितना होगा वो क्या होगा, अंक होगा उसको बराबर किधर भेजेंगे, 3y प्लस 4z इक्वल 6, इसको इक्वेशन का मान लेंगे 1। हम लोग का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ध्यान देना है ए, तो ए कहाँ का होता है, जो x के सामने होता है वो ए कहलाता है, x इसमें है ये नहीं तो 0 हो जाएगा, बी y के सामने वाला तो 3 का स्क्वायर, सी z के सामने वाला 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 0 प्लस 9 प्लस 16 रूट 25, 25 का वर्गमूल 5। क्लियर है, यहाँ लिखिएगा डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग
both side, by dividing both side, size in equation one, जो हम लोग equation one दिया है ना उसमें, ठीक है? तो 3y by 5 plus 4z by 5 equal 6 by 5, clear है? तो 3y 5 into y, 4 by 5 into z equal 6 by 5, इसको comparing the equation Lx plus My plus Nz equal to zero. Clear है? तो L का value कितना होगा? 3y, L का value 0 हो जाएगा कि किस भाई नहीं? N का value 3y 5 हो जाएगा और N का value 4y 5 हो जाएगा और D का value 6y 5 हो जाएगा. Clear है? अब यहाँ लिख रहे हैं नीचे इधर क्लियर है ना, तब लिखिएगा क्या कोऑर्डिनेट को और डी कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर. यहाँ फार्मूला होता है एल डी एम डी एम डी. इसको हिंदी में बोलते हैं लंब के पाद निर्देशांक. इसको हिंदी में बोलेंगे लंब के पाद निर्देशांक. इसको हिंदी में बोलेंगे लंब के पाद निर्देशांक. क्लियर है? तो एल कितना है भाई? तो एल का जब बात करेंगे तो एल का वैल्यू हमारा जीरो है और डी का वैल्यू 6/5 हो जाएगा. एम का वैल्यू कितना है? 3/5 है एन टू 6/5. क्लियर है? एन का वैल्यू 4/5 है एन टू डी का वैल्यू 6/5 है. हल करेंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा. इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18/25 हो जाएगा और इसको जब हल करेंगे तो 24/25 हो जाएगा. यही हम लोग का होगा, ठीक है? कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट of the perpendicular, coordinate of the coordinate of the foot of the perpendicular, ठीक है? यानी लंब के पाद निर्देशांक. हिंदी में बोलते हैं लंब के पाद निर्देशांक. तो क्लियर है बाबू? आप लोग समझ रहे हो क्लियर से? इसमें तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अब किस तरह से इसको हल किया जा रहा है, किस तरह से बनाया जा रहा है, ओके? क्वेश्चन हम इसका थर्ड दिखा रहे हैं. x प्लस y प्लस z इक्वल वन. x प्लस y प्लस z इक्वल वन. ये आप लोग का होमवर्क दे दे रहे हैं. ये आप लोग का होमवर्क रहेगा क्योंकि आप लोग इसको बना सकते हैं, है ना? ये आप लोग एकदम सिंपल है, आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है? हम क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 बता रहे हैं, ठीक है? 5y प्लस 8 इक्वल 0. ये भी आप लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का 4 क्वेश्चन है. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 बनाए होंगे उतना हल करने के बाद लास्ट में आप लोग LD, MD और MB का हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें जो बोला था कि खाली L, M, N और D का मान निकालना था और इसमें बोला है कि कोऑर्डिनेट निकालना है. क्या निकालना है? तो जिस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहेगा तो कोऑर्डिनेट भी निकालने के लिए हम लोग का D, L, M, N चाहिए. अब हल करें, ठीक है? तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा. ये दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो दोनों क्वेश्चन जो है हम लोग का, ये दोनों वो जो फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हल किया है ना, तो पहला क्वेश्चन ये दोनों को हल किए होंगे. लेकिन लास्ट में क्या करना होगा, इसमें एल डी एम डी एन डी, इसमें भी एल डी एम डी एन डी क्या करना होगा, बैठा देना होगा और बैठा कर उसको हल करना होगा, ठीक है? समझ रहे हैं? एक बार फिर समझिएगा कि जो आप लोग का पहला क्वेश्चन हल किए हैं, पहला क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन सेम है और इसमें भी सेम है, तो दोनों को जितना उसमें हल किए होंगे इसको हल करिएगा और लास्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लिखिए, लंब के पाद निर्देशांक बराबर इतना हल करिएगा बेटा.
ठीक है। आई होप इसके लिए इसको दोनों को आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, क्लियर है ना बाबू, कंफर्म है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 5 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन है बाबू? 5। तो हम लोग का जो 5 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत संतरों का सदिश एवं सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। इसमें का जो पहला क्वेश्चन है बिंदु 1, 0, -2 से जाता हो और आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप समतल पर आगे लंब है। That passes through the points. That passes through the points 1, 0, -2 and the normal to the plane is I cap plus J cap minus K। सबसे पहले बोला है कि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत जितना हम लोग का कंडीशन दिया है, केसेस दिया है, उस केसेस में हमको बताना है उसका सदिश और कार्तीय समीकरण को ज्ञात करना है। फाइंड द कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो समतलों का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जब हमको कंडीशन दिया है कि एक बिंदु दिया हुआ है और एक नॉर्मल दिया है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर पॉइंट दिया है ना, तो पॉइंट हम लोग कितना लेट इसको मान लेते हैं, पॉइंटवा को हम ए मानते हैं ना, 1, 0, -2 इसका पोजिशन बनाते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए, ए का पोजीशन वेक्टर तो हम लोग का ओ ए वेक्टर हो जाएगा, आई कैप हट जाएगा 2 के कैप, इसको हम ए वेक्टर मान लेंगे,
आई कैंप माइनस टू के कैंप, आज जो वेक्टर देगा उसको नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे, एन वेक्टर है, एन वेक्टर लिखना आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। एक बार फिर से समझना है बाबू आप लोगों को कि इसमें पॉइंट दिया है, एक वेक्टर दिया है, वो भी नॉर्मल वेक्टर, जिसमें एक पॉइंट दिया हो और एक नॉर्मल वेक्टर दिया। बात रहा कि सर ये तो पीछे वाला में भी था लेकिन वो लाइन का था, रेखा का था, अरे आप प्लेन का बोलेगा। तो ध्यान देना है, जब समतल का बोलेगा तो समतल वाला जो क्वेश्चन होगा 11.3 में होगा और रेखा वाला जो होगा 11.2 में होगा। ठीक है, तो समतल है तो समतल वाला बैठाएंगे। ठीक है, इसका केस लिखेंगे, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इसका कौन वेक्टर ना आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर सॉरी हाँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एन टू एन वेक्टर इक्वल जीरो। ये देख लीजिएगा आप लोग, जब एगो बिंदु दिया हो और एगो वेक्टर दिया हो तो हमें लिखेंगे आर वेक्टर माइनस कितना है आई कैप सॉरी आई कैप माइनस टू के कैप, इसको बंद कर दिया जाए, और यहाँ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और इक्वल जीरो। तो इसको हम बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलेंगे सदिश समीकरण। कौन समीकरण बोलेंगे इसको, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक है, और समतल का सदिश समीकरण इसको बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन समतल का सदिश समीकरण। क्लियर है बाबू? अब इसका लिखना है आगे कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, प्लेन तो क्या होता है प्लेन। ठीक है, केस टू में हम लोग हल करेंगे। तो पॉइंट हम लोग का दिया है ना बाबू, जो पॉइंट हम लोग का दिया है 1, 0, -2, उसको x1 = 1 मान लेंगे, y1 = 0 और z1 = -2। क्लियर है? और जो हम लोग का वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो उसमें हम लोग का a = 1, b = 1, c = -1 कंफर्म है। क्लियर है? तो कार्टेशियन इक्वेशन a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल जीरो। क्लियर है? a का वैल्यू 1 है, एक्स माइनस का है 1। क्लियर है? बी का वैल्यू 1 है, वाई माइनस 0, सी का वैल्यू माइनस 1 है, जेड माइनस जेड 1 तो प्लस 2 इक्वल 0। हल करेंगे तो एक्स माइनस 1 वाई माइनस जेड माइनस टू इक्वल जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस थ्री इक्वल जीरो। इसी को बोलेंगे हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन और इसको बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन। तो इसका यूज कब करेंगे बाबू, जब हम लोग का एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, जब हम लोग का एक पॉइंट दिया रहेगा। क्लियर समझिए, जब हम लोग का पॉइंट दिया रहेगा और एक क्या दिया रहेगा हम लोग का, एक पॉइंट और एक दिया रहेगा हम लोग का वेक्टर दिया रहेगा नॉर्मल, तो हम लोग इसके यूज करेंगे। तो जितना आप लोग का थ्योरी था वो थ्योरी पर टोटल चल जाएगा ना बाबू, देख लीजिए अच्छा से। चलिए, इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही लिख लीजिएगा, लैंग्वेज इसका ऐसे ही लिखना है, बस हम इसको सिर्फ सोल्व कर दे रहे हैं। बी इसका जो पॉइंट दिया है ध्यान दीजिएगा बाबू, पॉइंट इसका दे दिया है, शॉर्ट टर्म में लिख रहे हैं, इसका जो पॉइंट दिया हुआ है 1, 4, 6 दिया हुआ है, और इसका जो वेक्टर दिया हुआ है, जो इसका वेक्टर है बाबू वो दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये वेक्टर होगा। तो सॉल्व किया जाएगा सेम टू सेम a के जैसा है, लैंग्वेज a के ही जैसा लिखना है, लैंग्वेज में कोई चेंजिंग नहीं है, बस खाली पॉइंट चेंज है। ठीक है, देखिए तो लेट मानते हैं ना, जो पॉइंट होगा उसको हम ए मानते 1, 4,
सिक्स यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हमारा ओ ए वेक्टर हो जाएगा। तो ओ ए वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप, और इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर, आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप। ओके, उसके बाद हम लोग का जो वेक्टर दिया उसको एन वेक्टर मान लेंगे। तो एन वेक्टर इक्वल कितना है, तो एन वेक्टर इक्वल हम लोग का है आई कैप प्लस टू जी कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस टू जी कैप प्लस के कैप। आई कैप प्लस टू जी कैप प्लस के कैप कंफर्म है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखेंगे केस वन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन तो क्या होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एम टू, एम वेक्टर इक्वल जीरो, तो यहाँ लिखेंगे आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर ही रहेगा, ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप, और एम टू एम वेक्टर कितना है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप इक्वल जीरो। कौन इक्वेशन हो जाएगा हम लोग का, इसको हम बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, दूसरा हम लोग का निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, और सी इंटू जेड माइनस जेड। इसको थोड़ा डायरेक्ट बना दे, आप लोग को बताएं कि ए जो होता है ना, जो हम लोग का एन वेक्टर दिया रहेगा वो हो जाएगा, और जो हम लोग का एक्स वन वाई जो जेड वन होगा वो पॉइंट मिस होगा। तो ए का वैल्यू वन हो जाएगा इनटू एक्स माइनस एक्स वन का भी वैल्यू वन पॉइंट वाला का, बी का वैल्यू टू हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन का वैल्यू पॉइंट वाला बिंदु वाला, तो बिंदु कितना है माइनस चार, सी कितना है तो सी वन हो जाएगा, जेड माइनस जेड वन का वैल्यू जो पॉइंट वाला होगा तो सिक्स इक्वल जीरो। हल कर लिया जाए तो एक्स माइनस वन प्लस टू वाई माइनस आठ प्लस जेड माइनस सिक्स इक्वल जीरो। इसको हल करेंगे तो एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड माइनस फिफ्टीन इक्वल जीरो। क्लियर है, तो इसको हम कार्टेशियन बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे वेक्टर बोलेंगे। याद रखिएगा कि जो हम लोग का एक्स वन वाई जो जेड वन होगा बाबू ना, वो पॉइंट में का होता है। ठीक है, जो पॉइंट होगा उसमें का एक्स वन वाई जेड वन, और बाकी एक किसी बचेगा तो वेक्टर वाला का। तो आई होप समझ गए होंगे कि जितना आप लोग का थ्योरी था उस थ्योरी पर हम आप लोग को क्वेश्चन को क्या कर दिए, आप लोग के क्वेश्चन को हम बता दिए। जितना हमारे पास थ्योरी था उस थ्योरी पर उस क्वेश्चन को हम क्या कर दिए, उस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या कर दिए बाबू बता दिए। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन नंबर छठा का बात कर रहे हैं। छठा क्वेश्चन है हम लोग का उन समतलों का समीकरण, उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित
जो निम्नलिखित तीन बिंदुओं से गुजरता है, तीन बिंदुओं से गुजरता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दैट पासेस थ्रू थ्री पॉइंट्स। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 -1 6 4 -5 -4 -2 3। और इसका बी क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1 1 0 1 2 1 -2 2 -1। कन्फर्म है बाबू? यही हम लोग का तीन दो दो समीकरण दिया हुआ है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों क्वेश्चन में हम लोग का करना है, हल करना है। ओके अच्छा, तो हम इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन को बताने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ए को हम हल कर रहे हैं, तो ए को जब हल करेंगे तो 1 1 -1 6 4 -5 -4 -2 3। इसको जब सोल्व करेंगे बाबू तो जब देखिएगा, जब हमारे पास तीन पॉइंट दिया रहेगा और तीन पॉइंट से अगर हम लोग क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, है ना। इस इक्वेशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ए होता है, ठीक है ना। तो लिखिएगा इक्वेशन कार्टेशियन कहा जाएगा, कार्टेशियन से कार्टेशियन और वेक्टर दोनों होता है लेकिन कार्टेशियन आसान पड़ता है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए थ्री पॉइंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि तीन बिंदुओं से होकर जाने वाली समतल का कार्तीय समीकरण, इसका हिंदी है कि तीन बिंदुओं से होकर जाने वाली समतल का कार्तीय समीकरण। तो याद रखिएगा, जब तीन बिंदुओं से जाने वाली समतल का जब कार्तीय समीकरण लिखेंगे तो हमारे पास यही फार्मूला है,
x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, क्लियर है। उसके बाद है एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। इसके बाद है एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन। एक बार फिर ध्यान रखिएगा कि इस फार्मूला का यूज तभी करेंगे जब हमारे पास तीन को पॉइंट दिया हुआ रहेगा। चलिए अब आगे हल किया जाए। बताए हैं x माइनस x1 इसमें का, x2 इसमें का, x3 इसमें का, y1 y2 y3 z1 z2 z3। तो x1 1, y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू y1 उसमें हो जाएगा 1 हो जाएगा y1। इसको देखिए लिख दे रहे x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। आप लोग ऐसे मत करिएगा, हम आप लोग समझने के लिए बता दिए। x माइनस वन, y माइनस वन और z प्लस वन हो जाएगा। तो x2 माइनस x1, तो x2 का काम कितना है 6 माइनस वन, y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है 4 माइनस वन, z2 माइनस z1, तो माइनस फाइव प्लस वन, माइनस फाइव प्लस वन, क्लियर है। x3 माइनस x1, तो x3, तो x3 का वैल्यू माइनस चार और माइनस वन है। अच्छा y3 माइनस वन, तो y2 माइनस माइनस और थ्री प्लस वन, क्लियर है बाबू। इक्वल का है जीरो। बैठा लीजिएगा आप लोग, कंफर्म में बैठा लीजिएगा इसको। चलिए अब आगे देखिएगा, इसको जब हल किया जाएगा तो x माइनस वन हो जाएगा, y माइनस वन हो गए, z प्लस वन हो जाएगा, इसमें पाँच हो जाएगा, इसमें माइनस पाँच होगा, इसमें तीन होगा, इसमें माइनस तीन होगा, इसमें माइनस चार होगा, इसमें चार होगा, इक्वेशन जीरो। आप डिटर्मिनेंट हल किए ना बाबू, तो हल करिए। तो x प्लस वन को क्या निकालेंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 4 माइनस 3 4, उसके बाद माइनस y माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 माइनस 4 कॉम 4, उसके बाद होता है z प्लस 1, यहाँ लिखा जाएगा 5 3 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल 0। देख लीजिए अच्छा से, दिखाई दे रहा है ना बाबू। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। हल करिए, x प्लस का होगा 1, इसको हल करेंगे तो 12 माइनस 12, इसको हल करें तो y माइनस 1 या 20 माइनस 20, और इसको हल करेंगे तो z प्लस 1 हल करेंगे तो माइनस 15 प्लस 15 इक्वल 0। हल करेंगे तो x प्लस 1 इंटू 0, y माइनस 1 इंटू 0, जेड प्लस वन इंटू जीरो इक्वल जीरो, तो जीरो बराबर जीरो आएगा। यानी कहने का मतलब यह है ना कि जिसका जीरो बराबर जीरो आएगा ना, तो उस समतल का जो समीकरण अनंत होगा। क्या होगा? अनंत, बहुत सारे इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसके समीकरण का कोई लिमिट नहीं, जिसका समीकरण हल करने पर जीरो के बराबर आ जाएगा। तीन बिंदु से जाने वाली जब समतल का समीकरण निकालिएगा, अगर उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, जीरो के बराबर, तो हम बोलेंगे कि इस दिए गए बिंदु से बहुत सारा समीकरण है, ठीक है। अच्छा दूसरा का बनाइएगा, दूसरा का इसी पर बनाइएगा, बी वाले का चेक करिएगा, उसमें जीरो नहीं आएगा, उसमें कोई समीकरण आएगा, ठीक है ना। तो जिसका जीरो आ जाएगा उसका समीकरण बहुत है, ठीक है। तो जितना आप लोग का थ्योरी था, ये थ्योरी को बता दिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।